हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो सबसे पहले चीज आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या अगर आप देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्मॉल कैप, राइट? तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट साइड का बॉक्स को डिस्कस करते हैं। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0.28% माइनस था, बैंक में 0.24% माइनस था एंड स्मॉल कैप आपका 0.17% माइनस था। तो स्मॉल कैप हैज नॉट डन मोर डाउन साइड देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, राइट? दैट्स द मैसेज। अब आज ये वीक का क्लोजिंग है, तो सबसे पहले हम वीक को देखते हैं। लास्ट वीक का हमारा क्लोजिंग था 23,465, ये वीक 23,501, तो ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा मूवमेंट है, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है, राइट? दूसरा चीज, अगर आप मंथली चार्ट भी देखेंगे, अप ट्रेंड है, वीकली भी अप ट्रेंड है, डेली भी अप ट्रेंड है, राइट? सो ये जो था एग्जिट पुल के दिन का हाई था, मेरे अकॉर्डिंगली बाजार ये जोन है ना, ये जोन को ब्रेक डाउन जब तक बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे नीचे ना करे, तब तक आई थिंक वी शुड नॉट बी वरीड। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पुल बैक आ सकता है, तो वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम मेनी डेज की पुल बैक आएगा तो दैट विल बी गुड एंड इट शुड बी हेल्दी। आइदर इस तरह से करेक्शन करे बजाय और कुछ दिन, आइदर यहाँ पे कुछ पुल बैक करें देन फिर अगेन ब्रेकआउट, राइट? तो दो सीनारियोज है अपने पास। तो अब मैंने कुछ पॉइंट मार्क करके रखे जो हमने लास्ट वीक भी करके रखे थे। तो अब बैंक निफ्टी 23,420 और 23,370, ये एक जोन है जहां पर बायर्स डिपेंड कर सकते हैं। तो कल आप देखेंगे थोड़े टाइम के लिए वो जोन में आया, फिर वापस वहां से एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। ऑलमोस्ट आप 100 से 150 पॉइंट की आप बात कर सकते हैं, राइट? सो फॉर टुमोरो। एंड अब अप साइड में आपको ये भी ध्यान रखना है, 23,580 के ऊपर जैसे मान लो यहाँ पे जाके सस्टेन और फिर ब्रेकआउट करें तो आप वहां पे भी लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। अब बाजार जैसे ही ये रेंज को ब्रेक डाउन करेगा निफ्टी, तो नीचे में 23,180, 23,200 एक जोन है, राइट? ये जोन यहाँ पे बाजार आ सकता है। यहाँ पे अपने को एग्रेसिव बाइंग के बारे में सोचना चाहिए एंड द मोस्ट एग्रेसिव एरिया इज 23,030 और 22,960, राइट? ये जोन में आपको लॉन्ग करने के बारे में सोचना चाहिए बहुत एग्रेसिव। सो लेट सी मार्केट अपने को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देता है, यहाँ पे देता है या यहाँ पे देता है। तो देर आर थ्री काइंड ऑफ सिनेरियोस और जो प्ले आउट होगा उसके अकॉर्डिंगली वी कैन प्ले इन टू द मार्केट। सो आई होप यू आर क्लियर। या नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सबसे पहले चीज मंथली देखते हैं, मंथली अप ट्रेंड इंटैक्ट है। वीकली भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक और ये वीक में बैंक निफ्टी 3% से ज्यादा मूवमेंट किया है, राइट? तो अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखें तो निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ये हफ्ते में। जहां निफ्टी फ्लैट जैसा है वहां पे बैंक निफ्टी ने 3% जैसा रिटर्न दिया है। अब एग्जिट पोल के दिन का हाई है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कैंडल आया जो ब्रेकआउट का, और उसके बाद मार्केट 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। तो क्या ये कंसोलिडेशन थोड़ा और चलेगा या तो यहाँ पे पुल बैक आएगा एंड फिर ऊपर में ब्रेकआउट आएगा, तो अपने को ऑब्जर्व करना है नेक्स्ट फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। सो आई होप यू आर क्लियर। अब मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। तो आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था, फ्राइडे का वीडियो जो बनाया है उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जोन में बायर्स डिफेंड कर सकते हैं और बायर्स वहां पे एक्टिव हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली आप देखो वो जोन में जैसे ही बाजार आया, ये वहां से सीधा बाजार ने एक अच्छा सा मूवमेंट दिया है। तो काफी बार क्या होता है, वेट करना बहुत जरूरी है। बाजार यहाँ पे था फ्राइडे के, हमने क्या बोला था आपको याद करो 10 डे को, कि मार्केट अगर ये जोन में आए तभी हमें ट्रेड करना है। तो आप देखो ये जोन में आपको मिला एंड यहाँ से आपको एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिला। ऑलमोस्ट आप समझ लो 51,300 से 51,800, मतलब 400 से 500 पॉइंट के इंट्राडे में ग्रैंड मिला। सो अगेन दीज आर द बाइंग एरियाज जो मैंने आपको बताया, 51,380, 350, 400 से लेके 200, 180 के आसपास का। उसके बाद अगर बाजार ये जोन को ब्रेक डाउन करता है तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज 49,980, 49,980 टू 49,500, 550, राइट? ये सब जोन है जहां पे वी कैन लुक फॉर एग्रेसिव लॉन्ग पोजिशनिंग अगर मार्केट वहां पे अपने को चांस देता है तो। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप। स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे, स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पे खड़ा है और लास्ट 3-4 डे से कंटिन्यूस एक कंसोलिडेशन है, और काफी लोगों को ऐसा है कि स्मॉल कैप यहाँ से बहुत बड़ा गिर जाएगा
तो गिर जाएगा तो मुझे पता नहीं ये टॉप है या नहीं है, लेट मार्केट डिसाइड वेदर दिस इज अ टॉप और नॉट। तो मैं काफी दिन से बोल रहा हूँ आपको, या तो टाइम करेक्शन आएगा या तो एक पुल बैक आएगा, और पुल बैक का जो करेक्शन होगा उसके बाद फिर से मार्केट अगेन गो टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाई। सो आई होप यू आर क्लियर। वीकली भी अगर चार्ट देखेंगे तो आप 1 टका प्लस है, मंथली भी देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, डेली में भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है। सो आई होप यू आर क्लियर। मैं आप लोगों को एक चीज अगेन बताता हूँ कि जो फियर होता है ना आप लोगों के अंदर कि बाजार गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, और बाजार कभी ना कभी ऐसे दिन आते हैं बाजार में, राइट? ये बाजार क्यों लाता है आप 1 मिनट के लिए सोचो, व्हाई मार्केट हैव सच टाइम्स? क्योंकि मार्केट चाहता है कि जो आप सोच रहे हो आपके दिमाग के अंदर, जो आपके बिलीफ है उसको एक बार दिखा दो तो आप वो करेंगे जो मार्केट आपको करवाना चाहता है, आप वो नहीं करेंगे जो मार्केट ऑलरेडी कर रहा है या मार्केट करना चाहता है। तो आप हमेशा एक चीज कोशिश करो, मार्केट में हमेशा जो भी चीजें हो रही है उसको समझो, देन उसके बाद इंप्लीमेंट करो, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आप कमेंट में जरूर बताइए मेरे को कि ये सब दिन आपके माइंड में और आपके ट्रेडिंग इंपैक्ट और आपके इन्वेस्टमेंट में कैसे इंपैक्ट करता है। थैंक यू सो मच।